जी हाँ दोस्तों, जिस प्रकार से सुशांत सिंह राजपूत केस में अभी हाल ही में एक नई खबर सामने आई है कि सुशांत सिंह राजपूत के जीजा और बहन नीतू सिंह की आखिरी पूछताछ सीबीआई ने की थी और वही आखिरी पूछताछ थी। उसके बाद अब किसी से पूछताछ नहीं होगी और पटना कोर्ट में सीबीआई अपनी जाँच की फाइल सौंप देगी। लेकिन दोस्तों, इस खबर की पुष्टि अभी तक नहीं हुई है, ये खबर सिर्फ सूत्रों के मुताबिक है। जानकारी दे दें कि इस प्रकार से बीते दिनों हमने देखा मीडिया वालों का भंडाफोड़ हुआ था फेक न्यूज़ फैलाने के मामले में। टीआरपी बढ़ाने के लिए काफ़ी फेक न्यूज़ फैलाई गई थी, जहां सूत्रों के मुताबिक जब ये खबर सामने आई थी कि सुशांत की एम्स की रिपोर्ट में उन्होंने अपनी ही जान लेने का मामला करार दिया है, तो बात तो सच निकली थी। क्या सीबीआई के द्वारा ये बात भी सच निकलेगी कि अब उन्होंने सुशांत सिंह के केस की फाइल अब बंद कर दी है? लेकिन दोस्तों, आपको जानकारी दे दें किस प्रकार से सुशांत सिंह राजपूत केस में एक बात काफ़ी ज़्यादा अजीब और गरीब है। सीबीआई की टीम इससे पहले जितनी बार भी अभी तक जांच की है जितने बड़े मुद्दे पे, उसमें खुद ही सीबीआई की टीम ने बड़ा खुलासा किया है, लेकिन अभी तक सुशांत सिंह राजपूत केस में सीबीआई की कोई भी जांच अधिकारी की तरफ से सीधे तौर पे कोई बयान सामने नहीं आया है। सारी खबरें मीडिया रिपोर्ट्स के दावों के अनुसार है, सारी खबरें सूत्रों के मुताबिक है, लेकिन इसमें कब सीबीआई अपने सबके सामने ये खुलासा करेगी कि सुशांत सिंह केस में उन्हें किस प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ा, क्या क्या उनके सबूत हाथ लगे, क्या सबूत थे जो उनसे मिस हो गए, क्या सबूत थे जो पहले नष्ट कर दिए गए थे, ये खुलासे सीबीआई की टीम के द्वारा सभी फैंस सुनना चाहते हैं। क्या आप भी सीबीआई के द्वारा ही ये खुलासे जानना चाहते हैं कि सुशांत सिंह ने अगर अपनी जान ली थी तो सीबीआई उस बात की जानकारी दे कि उसके पीछे की वजह क्या हो सकती है? क्या उस वजह की तलाश करेगी सीबीआई की टीम या फिर कोर्ट में अपनी पटना में आखिरी फाइल जमा करा के इस केस को अब रफा दफा कर देगी? क्या यही सच है कि सुशांत सिंह ने अपनी जान ली थी? इस सच को स्वीकार कर पाना काफ़ी कठिन है, लेकिन अगर सीबीआई खुद खुलासा करेगी मीडिया वालों के सामने, मीडिया वालों की प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए, तो कहीं ना कहीं लोग इस बात को स्वीकार करते नजर आएंगे। फिर उस पर भी कई सवाल खड़े होंगे जो अपने आप ही उनके दावों को लेकर ज़्यादा परेशानियाँ खड़े कर देगा। नेक्स्ट 9 लाइव्स, दीपक की रिपोर्ट।